हेलो गाइस, मैं अर्जुन। मेरे चैनल एके गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। अभी दोस्तों जुलाई का समय चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो हम कटिंग किस प्रकार से लगा सकते हैं। कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो होता है इस मौसम में दोस्तों, तो चलो हम चलते हैं दो पौधों की कटिंग लगाने, एक तो हिबिस्कस प्लांट की, दूसरी है कोलियस प्लांट की। तो सबसे पहले मैंने जो कटिंग पहले से लगा लिए हैं उसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, देख सकते हैं। हिबिस्कस का मैंने कटिंग लगाया था, इसमें लीव्स आ चुके हैं, ये करीब करीब दो हफ्ते हो चुके हैं। मैंने दो कटिंग लगाए थे दोस्तों, दोनों में लीव्स आ चुके हैं। ये इसमें वाले में थोड़ा कम लीव्स आया है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे आए हुए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं कैमरे में, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स हैं। ये वाले हैं उसमें लीव्स नज़र बिल्कुल आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों, इसकी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप सीधे गमले पर भी लगा दीजिए, वह ग्रो हो जाएगा, या फिर कहीं ज़मीन पर भी लगा दीजिए, वो आसानी से ग्रो हो जाएगा। 5 से 6 इंच की कटिंग लेना है आपको। तो हम आज चेक करेंगे कि इसमें रूट्स आए हुए हैं कि नहीं। तो चलो इसको हल्के हाथों से निकाल लेते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें तो रूट्स आ चुके हैं, बिल्कुल पतले रूट्स आए हुए हैं, वाइट वाइट देख सकते हैं आप, रूट्स आए हुए हैं पतले रूट्स। तो आप रूटिंग हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे न्यूक्ली नीचे वाले हिस्से में लगाने के लिए, या फिर आप एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप फंजीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम एक कटिंग और लगाएंगे आज। मैंने किस प्रकार से इसको लगाया था उसी प्रकार से, तो ये मैंने 5 से 6 इंच की एक कटिंग ले ली है दोस्तों, देख सकते हैं नीचे को मैंने किस प्रकार से छील के इनके निकाले हुए हैं। ऐसे ज़रूर करें क्योंकि वहाँ से रूट्स आते हैं। तो इसे हम फंजीसाइड में डुबा लेंगे, उसके बाद ही इसको लगाएंगे दोस्तों। या फिर आप रूटिंग हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं, या दोनों नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको लगा के ऐसे ही छोड़ देना है दोस्तों, ये ज़रूर सक्सेस होगा बरसात में। अब कोलियस की कटिंग लगाने चलेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दो गिर गया, ये मेरे दो कोलियस के कटिंग है दोस्तों। ऐसे निचले हिस्से के जो आए हुए हैं ना लिप्स, उनको हटा देना है क्योंकि रूट्स वहीं से आएंगे दोस्तों। रूट्स हाँ, उसी भाग से ही रूट्स आएंगे। निचला वाला जो भाग उतना है उससे रूट्स नहीं आते, आप उसे काट के अलग भी कर सकते हो। जहाँ से लिप्स आए हुए होते हैं वहीं से ही रूट्स आते हैं, तो उसी भाग को ही आपको लगाना है, या फिर आप लंबा भी उतना लगा देंगे। मैं तो वैसे ही लगा रहा हूँ, वहाँ से रूट्स नहीं आएंगे, ऊपर से ही रूट्स आएंगे जहाँ से लीव्स आए हुए थे। तो इसी प्रकार से हल्के हाथों से लगाना देना। कोलियस की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें रूट्स आए ही हुए हैं पहले से। बरसात का समय है, ऐसा नॉर्मल होता है कोलियस के प्लांट में रूट्स आए हुए होते हैं। तो कम से कम हम 15 दिन के लिए छोड़ देंगे इसे खुली जगह पर बरसात के मौसम में, 15 दिन बाद का रिजल्ट देखेंगे दोस्तों इसका हम। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा 15 दिन बाद का वीडियो है जो मैंने एक ही में ऐड करके आपके लिए बना के रखा हुआ हूँ। तो देख सकते हैं इसमें रूट्स आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा रूट्स आया दोस्तों इस प्लांट में, बहुत ही हेल्दी भी लग रहा है देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको बाहर ही रखना है दोस्तों, क्योंकि बरसात का दिन है, बहुत ही अच्छा ग्रो होगा, उतनी तो धूप पड़ेगी नहीं, तो आपको बाहर रखना है। कितनी खूबसूरत रूट्स आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर रखें उस बरसात की पानी उसको मिलती ही रहेगी। तो दूसरा देखते हैं उसमें आए हैं कि नहीं। बहुत सारे लगाए मैंने, अभी मैं केवल आपको दो प्लांट जिसको लगाया तो उसी का ही रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको। इसमें भी आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसमें भी, इसमें थोड़ा छोटा छोटा आया हुआ है लेकिन इसमें भी रूट्स आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से आप कहीं से भी कटिंग ले सकते हैं। बहुत सारे प्लांट के कटिंग लगते हैं, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से प्लांट के कटिंग लगते हैं इस मौसम में। तो आप अपने घर में कटिंग लगाइए, आपके गार्डन को हरा भरा बनाइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।